गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको दिखानी थी। जैसे प्रोपोर्शन, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, प्रोपोर्शन जो होता है ना, वो चार नंबर, मतलब ए बी सी और डी, तो मतलब ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, इसको ऐसे लीजिए। इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो इसको हम a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी बोलते हैं। सो a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। सो a एंड d को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे। मतलब ये एक्सट्रीम टर्म्स है और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द मिडल टर्म्स। ठीक है, मिडल टर्म्स मतलब मीन्स, और इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम्स। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन तो है, लेकिन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब क्या है, सपोज ऐसा बोल रहे हैं कि ए बी और सी कंटिन्यू है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी, बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, उसका मतलब क्या, ए इज टू बी इज टू बी इज टू सी, मतलब कि a by b is equal to b by c। ठीक है, मतलब a into c is equal to b into b, that means b square is equal to ac। अब यहाँ पे मिडल टर्म मतलब कि ये, इसको क्या बोलते हैं, मिडल टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे ये हमने अभी किया, और ये दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म मतलब कि मिडल टर्म को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शनल। और ऐसा हमने ये मीन प्रोपोर्शनल वाला एक सम हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, चले तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ प्रोपोर्शन, फाइव पेंसिल्स कॉस्ट सिक्स एंड डजन पेंसिल्स ऑफ द सेम टाइप कॉस्ट दिस, इज द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो कॉलम्स लगाएंगे। पहले तो किसकी किसकी बात हो रही है, तो एक तो नंबर ऑफ़ पेंसिल्स की बात हो रही है, ठीक है, और उसके कॉस्ट की बात हो रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, मतलब फाइव पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, सिक्स। तो डजन मतलब कि ट्वेल्व पेंसिल्स की कितनी है, 14.40। तो क्या दोनों की पेंसिल नंबर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट जो है पेंसिल की, क्या वो प्रोपोर्शनेट है नंबर ऑफ पेंसिल से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/12 इज इक्वल टू 6/14.40। तो 5/12 तो ऐसे क्या ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 0 144, ये 0 0 कट हो गया। हाँ ठीक है, तो 12 5 60 एंड 12 12 144। सो 5/12 इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, दोनों, सो हैंस इट इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल, ओके। अब देखिए, कैन यू परचेज अ शीट ऑफ द पेपर हैविंग अ लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब कि लेंथ, यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर। इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विथ, मतलब कि लेंथ है यहाँ पे 7x एंड विथ इज़ यहाँ पे 5x। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हम परचेस कब करेंगे, क्या हम परचेस कर पाएंगे अगर लेंथ इज़ टू ब्रेथ है। तो लेंथ इज़ टू ब्रेथ है, तो हम ये इसका करेंगे, सो 20/15 इज इक्वल टू 7x/5x। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 5 4s and 5 3s, सो 4:3 इक्वल्स टू 7:5, विच इज नॉट इक्वल टू, इक्वल प्रपोर्शन नहीं है, ओके। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज दिस, रेशियो ऑफ द इनकम मतलब देखिए, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 9:7। फाइंड द सेविंग्स इफ द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 35,000। देखिए, और सेविंग्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इनकम क्या हुआ, इनकम इज 9x, एक्सपेंडिचर इज 7x।
ठीक है। अब देखिए एक्सपेंड सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स 7x, सेविंग्स का देखने जाओ व्हाट डू मीन बाय सेविंग्स, तो इनकम, आपकी जो इनकम आ रही है उसमें से आप एक्सपेंडिचर निकाल दो तो जो बचा वो आपका सेविंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेविंग्स क्या होगा, यहाँ पे सेविंग्स होगा 9x-7x विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 2x। तो देखिए सेविंग्स कितना आया, 2x आया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 7x। सो 7x इज इक्वल टू व्हाट, 35,000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 35,000 अपॉन 7, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 5,000, ठीक है। लेकिन सेविंग्स हमें फाइंड करना है, सो सेविंग्स इज इक्वल टू 2 x विच इज़ इक्वल टू 2 x 5,000 विच इज़ इक्वल टू 10,000, ओके। तो अब 13 है, इफ़ द कार मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड कवर 6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 36 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे तो देखिए डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, 6 किलोमीटर इंटू 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो फिर 36 किलोमीटर का कितना हुआ, कितना होगा, तो लेट इट बी एक्स। तो ये 7 मिनट्स, तो 7 x 60 + 30 विच इज़ इक्वल टू 420 + 30 विच इज़ इक्वल टू 450, ओके 450 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 by 36 इज इक्वल टू 450 by x, सो x इज इक्वल टू 450 × 36 होल डिवाइड बाय 6, सो 6 6 क्या होगा, 36। सो x इज इक्वल टू 450 × 6, तो 0 30 24 અને 3 એટલે 27, સો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2700। તો યે કિતના હુઆ, યે હુઆ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2700 સેકન્ડ્સ। અબ ઇસકો હમે મિનિટ્સ મે કરના હૈ, તો દેખિયે 1 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 સેકન્ડ્સ, સો 2700 ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઉ મચ, તો ક્યા હોગા, 2700 ડિવાઇડ બાય 60, ये कैंसिल हो गया। सो ये होगा 6 4 = 24 एंड 6 5 =, तो कितना हुआ, 45 मिनट्स। 14, इन अ मैप अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी रिप्रेजेंट बाय 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक तो डिस्टेंस है, और ये ए टू बी है, तो ए टू बी ये 5 सेंटीमीटर, और ये 600 किलोमीटर। फिर यहाँ पे अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, सो लेट इट बी एक्स। तो यहाँ पे देखिए इन द मैप डिस्टेंस ये ए टू सी है, वॉट विल बी द इक्वल डिस्टेंस ए टू सी रिप्रेजेंटेड बाई दिस, मतलब दिस टू दिस है, मतलब दिस टू दिस है, ठीक है। मतलब 600 × 5 इज इक्वल टू x = 8, सो 600 / 5 इज इक्वल टू x/8, सो x इज इक्वल टू 8 × 600 / 5, 5 1 = 20, सो x इज इक्वल टू 960 किलोमीटर्स। 15 है, 5 kg ऑफ वीट इज रिक्वायर्ड टू सर्व 150 पीपल्स, वीट वीट एंड नंबर ऑफ पीपल, देन हाउ मच वीट इज रिक्वायर्ड फॉर 30 पीपल्स, तो पीपल्स का कितना वीट जाएगा, सो 5 by x इज इक्वल टू 150 by 30, तो ये तो 3 और 3 गया, ये 5,
सो एक्स इज इक्वल टू 5/5, सो एक्स इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, ऑब्वियसली 150 का अगर 5 kg हो रहा है तो 30 पीपल्स, मतलब कि पीपल कम हो गए, तो फिर वीट कितना चलेगा? ठीक है, सो कितना चाहिए? सो इट विल बी 1 kg। फाइन, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।